2019 में हमारे भोजपुरी सुपरस्टारों की बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। 2019 में सभी भोजपुरी के स्टार अपने अपने लिए बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो बेहतरीन फिल्में 2019 में दे सके और उनका 2019 बेहतरीन रहे। जहां खेसारी लाल तैयार है, वहीं निरहुआ भी तैयार है, लेकिन पवन सिंह इस बार काफी बड़ी मात्रा में धूम मचाने वाले हैं। हम यूं कह सकते हैं पावर स्टार इज बैक। जी हाँ, कई फिल्में 2019 में अभिनेता पवन सिंह की धूम मचाने वाली हैं। सबसे पहली फिल्म है शेर सिंह, जिसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया है और इस फिल्म के एक दो गाने को विदेशों में भी शूट किया गया है। इस फिल्म में अभिनेता पवन सिंह के साथ अमरपाली दुबे नजर आने वाली हैं। दूसरी फिल्म का नाम है राजा। जी हाँ, राजा फिल्म जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था, ये भी फिल्म काफी बेहतरीन होगी और ये फिल्म एक एक्शन फिल्म होगी जो काफी मायनों में खास होने वाली है। तीसरी बड़ी फिल्म का नाम है क्रैक फाइटर, जिसकी हाल ही में शूटिंग हो रही थी। जी हाँ, क्रैक फाइटर भी काफी शानदार और बेहतरीन फिल्म होने वाली है, इसे भी 2019 में ही रिलीज किया जाएगा। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो रहा है। और एक आखिरी फिल्म है सत्या रिटर्न। जी हाँ, बताया जा रहा है 2019 में ही इसकी शूटिंग शुरू की जाएगी। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन 2019 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सकती है। सुजीत कुमार सिंह ने पिछले ही साल यानी 2018 में हमें बताया था कि 2019 में धमाका होने वाला है सत्या रिटर्न का। तो देखना काफी मजेदार होगा कि सत्या रिटर्न का कैसा धमाका पवन सिंह इस बार दिखाते हैं। क्या सत्या की तरह दोबारा से भूचाल लाएंगे या फिर सत्या रिटर्न कोई खास नहीं होगी? आपको कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है? कमेंट कर अपना सुझाव हमें जरूर बताएं। डिजिटल न्यूज भोजपुरी ब्यूरो रिपोर्ट।